बेंगलुरु से कानपुर जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। बेंगलुरु से कानपुर जा रहे विमान में किडनी के मरीज की तबीयत बिगड़ने के कारण आनंद फानंद में लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए एयरलाइन के इंतजाम न करने से नाराज यात्रियों ने काटा हंगामा। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर कश्मीर पहुंच चुकी है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गृह मंत्री को लिखा कि अगले दो दिनों में यात्रा में भारी भीड़ की उम्मीद है। 30 जनवरी को श्रीलंका में होने वाले समारोह में भी भीड़ हो सकती है। मैं आभारी रहूंगा यदि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की सलाह दें। झारखंड स्टेट में धनबाद जिले के प्राइवेट अस्पताल में लगी आग। धनबाद जिले में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित हाजरा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में अचानक रात करीब 2 बजे आग लग गई। मृतकों में डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, भांजा सोहेल कंगारू, खाना बनाने वाली तारा और एक अन्य शामिल है। इन लोगों की मौत जहरीले धुएं में दम घुटने के कारण हुई है। हादसे में घर में मौजूद 2 पालतू कुत्तों की भी हुई मौत। बदमाश के साथ पुलिस टीम की हुई मुठभेड़, बदमाश सोहेल के पैर में लगी गोली। एसओजी पुलिस सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई, बदमाश के साथ पुलिस टीम की हुई मुठभेड़, बदमाश सोहेल के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 1 कार, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, कई कारतूस बरामद। लोहा मंडी सर्राफा लूटकांड में शामिल था सोहेल। भागते वक्त लोगों पर चलाई थी गोलियां। दिल्ली के सोहेल पर कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बिस्कुरी पर हुई मुठभेड़। यूपी जूनियर बास्केटबॉल टीम ने 16 साल बाद जीता गोल्ड। बेंगलुरु में 21 से 27 जनवरी तक आयोजित 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश जूनियर बास्केटबॉल टीम ने जीता गोल्ड मेडल। यूपी ने 16 साल बाद जीता गोल्ड, खिलाड़ी खुशी से झूमे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को और गंगोत्री जमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। पूर्व में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 27 अप्रैल निर्धारित थी। जोशीमठ में भूदशाव को लेकर लोगों में डर, इस बार चारधाम यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। उत्तराखंड में 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी संभावना है। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में 7 फरवरी को आनंद गिरी पर तय होंगे आरोप। बागम्बरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में 7 फरवरी को स्वामी आनंद गिरी पर तय होंगे आरोप। आनंद गिरी की अर्जी पर कोर्ट ने दिया अंतिम मौका। सीबीआई जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर ने दिया बयान। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर ने बयान देते हुए कहा, आंकलन से ज्यादा भीड़ थी जिससे उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव पड़ा और धारणा बन गई कि सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अर्धसैनिक बलों की 15 और जम्मू कश्मीर पुलिस की 10 कंपनियां तैनात थी। लखनऊ मंडलायुक्त एवं डीएम ने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब व जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की व्यवस्थाओं का इकाना स्टेडियम पहुंचकर लिया जायजा। 29 जनवरी 2023 को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाना है। राजस्थान के भरतपुर में भी वायुसेना का एक और विमान हुआ हादसे का शिकार। मुरैना के अलावा राजस्थान के भरतपुर में भी वायुसेना का एक और विमान हादसे का शिकार हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के संपर्क में हैं और उनसे घटना की बराबर जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में त्रिपुरा विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर लगी मोहर। आगामी त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा को टाउन बोरोडोवली
बोर्डोवली सीट से मैदान पर उतारा है, जबकि इस सूची के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को धनपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। बाकी बचे 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। फरवरी में होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर। पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 नेताओं को मिली जगह है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही इस सूची में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से 18 जनवरी को घोषित त्रिपुरा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होगा मतदान। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता शशि थरूर के खिलाफ ही खोला मोर्चा। बीबीसी द्वारा बनाई गई विवाद डॉक्यूमेंट्री को लेकर शशि थरूर ने कहा, गुजरात दंगे से जुड़े मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। शशि थरूर का मानना है कि गुजरात दंगे के घाव अभी भरे नहीं है। कांग्रेस इस डॉक्यूमेंट्री का खुलकर समर्थन कर रही है, तो वहीं थरूर एक तरह से गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह पर अब कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता शशि थरूर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी मुर्तजा दोषी करार। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी मुर्तजा दोषी करार 30 को सजा पर होगी सुनवाई। मुर्तजा मुंबई में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही आईएसआईएस के संपर्क में आ गया था। अहमद मुर्तजा से जांच पड़ताल में एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले। मुर्तजा ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के संपर्क में था। उसने विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा था। इसके जरिए वह इस खतरनाक आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था। उसने नेपाल के रास्ते लाखों रुपया सीरिया भेजा था। यरूशलम में एक यहूदी मंदिर पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत। इसराइल में यरूशलम के बाहरी इलाके में एक यहूदी मंदिर में हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। यरूशलम में ये हमला इसराइल की सेना की रिफ्यूजी कैंप में की गई कार्रवाई के एक दिन बाद हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर में हमलावर को मार गिराया है। पुलिस द्वारा मारे जाने से पहले बंदूकधारी हमलावर ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, फिर भी इसका जेनिन छापेमारी से जुड़े होने का संदेह है। इमरान खान ने जरदारी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर उनकी हत्या के लिए आतंकवादियों को पैसे देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जरदारी पर पिछले 2 प्रयासों के विफल होने के बाद उनकी हत्या करने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों के साथ एक नई योजना रचने का आरोप लगाया है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने रोमन कालीन रिहायशी महानगर की पुरातत्विक खोज की। दक्षिणी मिस्र के शहर लक्ज़र में मिस्र के पुरातत्वविदों ने रोमन काल के रिहायशी महानगर में कई रिहायशी भवनों सहित 2 पिंजन टावर और कई धातु कार्यशालाएं भी खोजी हैं। यही नहीं, शोधकर्ताओं ने कार्यशालाओं के अंदर बर्तन, कांसे और तांबे के रोमन सिक्कों का संग्रह भी खोजा है। यह मिस्र में एक अनोखी पुरातत्विक खोज है। डेनमार्क में कुरान जलाने की घटना पर कई मुस्लिम राष्ट्रों ने जताई कड़ी आपत्ति। डेनमार्क में इस्लाम में पवित्र माने जाने वाली कुरान जलाए जाने की घटना पर पाकिस्तान, तुर्की और रूस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कुछ दिन पहले इस्लामोफोब ने स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाया था। डेनमार्क में उनके कुरान का अपमान करने की हरकत का पाकिस्तान कड़े शब्दों में विरोध करता है। ये बेहद मूर्खतापूर्ण और आक्रामक काम है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में बारिश से मची भारी तबाही। बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता हैं। ऑकलैंड में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक सैन्य विमान में शहर का दौरा किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।